नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली के लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली, लेकिन साथ ही एक बड़ी आफत भी आ गई। ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पार्किंग की तस्वीरें हैं, जहां सुबह सुबह अचानक बारिश के चलते पूरी की पूरी छत नीचे आ गिरी और जिसमें एक शख्स की दबकर मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये तस्वीरें भयावह हैं, डराने वाली हैं, खौफ पैदा कर रही हैं। जरा सोचिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचते हैं और पार्किंग वाले एरिया में आपकी कैब खड़ी होती है, तब इस तरह का हादसा हो जाए तो किस तरह का मंजर होगा, ये इस वक्त हमारे सामने है। भारी बारिश के बीच यहाँ छत से भी पानी झरने की तरह बहने लगा और अचानक छत का ये जो पूरा हिस्सा है वो सरक कर नीचे आ गया। और इस वक्त वहाँ कई सारी कारें खड़ी थीं, उसमें एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था, जिसकी तस्वीर अब वायरल हो रही है। बहुत ही भयावह है, पूरी तरह आपको दिखा भी नहीं सकते। और वहीं किस तरह जो बीम थी जिसके सहारे ये छत खड़ी थी, वो बीम नीचे आ गई और कारों पर सीधे बीच में आकर गिरी, कारें चकनाचूर हो गईं और एक शख्स की इसमें दबकर कैब ड्राइवर की मौत हो गई। ये हादसा जैसे हुआ पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, फायर डिपार्टमेंट को खबर दी गई, आपातकालीन सेवाओं को मदद के लिए कॉल किया गया, तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच एक और ज़रूरी जानकारी ये कि जो तमाम जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी आवाजाही पर भी असर पड़ा है। तो अगर आप कहीं दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपकी फ़्लाइट टाइम पे है कि नहीं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। जी हाँ, और हमला सीधे बड़े नेताओं द्वारा भी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने क्या लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, आपको दिखाते हैं। प्रियंका ने लिखा, मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, आज उसकी छत ढह गई जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल ये है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। वहीं इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में एक रूप तो कोलैप्स कर गया है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में ही वहां से पानी आने लगा, मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगा, जिसमें मुख्य पुजारी महोदय ने अपनी आपत्ति जताई। हमने देखा अटल सेतु का हाल, हमने देखा जबलपुर टर्मिनल गिर गया, हमने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस टूट फूट के बर्बाद हो गया, हमने देखा पूरी की पूरी अयोध्या, जिसकी विकास की गाथा गाते गाते बीजेपी थकती नहीं थी, वो अयोध्या पहले ही पानी में किस तरीके से जल भराव का शिकार हो गई। और ये टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। आपकी जान चली जाए इनको कभी मतलब नहीं। हमने देखा किस तरीके से गुजरात के अंदर पुल गिर गया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो जहां जहां भाजपा है वहां वहां भ्रष्टाचार है।